हेलो फ्रेंड्स ये है रिज़र्वेशन का टॉपिक तो रिजर्वेशन जो है पॉलिटी का पार्ट ये इसका यूटिलाइजेशन क्या है यूटिलाइजेशन ये है कि ये जो भी वलनरेबल सेक्शन या अंडर प्रिविलेज्ड है उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन और साथ में पार्टिसिपेशन में मदद करती है हमारे देश में जो रिज़र्वेशन है वो एस सी और ओ के लिए है ये आपका एस सी के लिए फिफ्टीन परसेंट एस टी के लिए सेवन पॉइंट फाइव परसेंट और ओ बी सी के लिए ट्वेंटी सेवन परसेंट है अभी रिसेंटली ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के, के लिए भी रिजर्वेशन लाया गया है जो कि आपका है टेन परसेंट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखें तो रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये दिया गया है आपका आर्टिकल फिफ्टीन फोर में और रिजर्वेशन इन पोस्ट्स एंड सर्विसेज ये इसके बारे में मेंशन किया गया आपका आर्टिकल सिक्सटीन फोर में आर्टिकल सिक्सटीन फोर ए और आर्टिकल सिक्सटीन फोर बी तो आपको ये सब याद रहना चाहिए उसी तरह फिर आर्टिकल फोर्टी सिक्स जो है वो बात करता है कि स्टेट जो है वो प्रमोट करेगा विद स्पेशल केयर द एडुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ़ द वीकर सेक्शन जो वीकर सेक्शन है उसका उसके बारे में आर्टिकल फोर्टी सिक्स में मैंसन किया गया है इसमें आपका आता है एस सी एंड एस एंड सेल्फ प्रोटेक्ट डेम फ्राम सोशल इनजस्टिस और किसी भी तरह के एक्सप्लाइटेशन से उसी तरह फिर आर्टिकल टू फोर्टी थ्री डी जो है उसमें बात की गई है रिजर्वेशन इन पंचायत फॉर एसटी तो एसटी के लिए आपका आर्टिकल टू फोर्टी थ्री डी उसी तरह आर्टिकल 330 जो है उसमें बात की गई है रिजर्वेशन एसटी के लिए इन हाउस ऑफ द पीपल मतलब हमारे पार्लियामेंट में उसी तरह आर्टिकल 332 थर्टी आपका रिलेट करता है स्टेट के लेजिस्टिव असम्बली से फॉर एस तो आपका जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल फिफ्टीन आर्टिकल सिक्सटीन आर्टिकल फोर्टी आर्टिकल टू डी आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, जो जजमेंट है या आ, जो कोर्ट के जजमेंट है इस बारे में वो आपका पहला इंपॉर्टेंट है आपका इंद्रासनी केस जिसमें ट्वेंटी सेवन परसेंट कोटा ऑफ ओबीसी इसको सही माना था लेकिन साथ में कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये जो है फिफ्टी परसेंट लिमिट क्रॉस नहीं कर सकती और साथ में क्रीमी लेयर के बारे में मैंसन करते हुए कहा गया कि इनको एलिमिनेट करना होगा फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस और साथ में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा ऐसा करके इंदिरा सोनी केस में कहा गया फिर है आपका दूसरा नागराज केस 2006 का इसमें जो रिज़र्वेशन है एस और एस टी के इसको सही माना गया और प्रोमोशन विथ थ्री कंडीशन मतलब कि इन्होंने कहा कि प्रोमोशन में भी आपका रिजर्वेशन होगा लेकिन उसमें तीन कंडीशन होगा एक तो डाटा होना चाहिए क्वेंटीफाइबल डाटा होना चाहिए ऑन बैकवर्डनेस ऑफ एस सी एंड एस टी दूसरा जो उनका रिप्रेजेंटेशन इन एडवोकेट होना चाहिए मतलब कम होना चाहिए तब तीसरा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को भी ध्यान देना पड़ेगा ये इसलिए ये तीनों चीज़ ये नागराज केस में कहा गया तो नागराज केस और इंदिरा केस इन दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा उसी तरह फिर आप मंडल कमीशन के बारे में कहो कि उन्नीस में यूनियन गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था ओ के लिए जिसमें बात हुई थी कि ट्वेंटी रिजर्वेशन होना चाहिए इन जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस और पब्लिक सेक्टर यूनियन उसी तरह फिर क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया इन्वो किया गया इंदिरा जजमेंट में जो हमने जस्ट डिस्कस किया और फिर मंडल कमीशन रिपोर्ट आई थी नाइनटीन में फिर एडुकेसा एडुकेसन कोटा आया दो में जो कि आपका आर्टिकल फिफ्टीन फोर से रिलेट करता है तो इस तरह से हमने जजमेंट और जो आर्टिकल्स हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड वो कर लिया थैंक यू सो मच